So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So in this session we will discuss about planetary boundaries have crossed the tipping point. अब आगे क्या होगा अगर कई सारे जो अभी आप रिसर्च पेपर देखोगे डाउन टू अर्थ मैगजीन में भी ये आपका पब्लिश भी हुआ है कि जो कई सारी जो प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं उन्होंने अपना जो टिपिंग पॉइंट है मतलब जो मैक्सिमम एक्सटेंट है उसको क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे ये जानना पहली चीज़ तो ज़रूरी है कि प्लानिटरी बाउंड्रीज का मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट ये जानना ज़रूरी है कि जो डिफरेंट जो क्राइटेरियाज़ हैं और वी कैन से जो डिफरेंट तरीके की जो प्लानिटरी बाउंड्रीज डिफाइन की गई हैं वो कौन कौन सी हैं और ये जो प्लानिटरी बाउंड्रीज का कंसेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, कब दिया गया है, ये सारे एस्पेक्ट हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और ऐसी कौन सी प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं जिन्होंने अपना जो टिपिंग पॉइंट है उसको क्रॉस कर दिया है और हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर प्लानिटरी बाउंड्रीज की बात किया जाए तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि इन्वॉल्व क्या करता है अर्थ सिस्टम प्रोसेस। अगर आप अर्थ की बात करो तो अर्थ के अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो सिस्टम है वो आपका वर्क करता है, चाहे वो विंड भी इन्वॉल्व हो, वाटर इन्वॉल्व हो, मैराइन सिस्टम इन्वॉल्व हो, लैंड सिस्टम इन्वॉल्व हो, एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व हो। तो ये डिफरेंट जो अर्थ का सिस्टम है और उसमें जो डिफाइंड प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटल बाउंड्रीज है उसको डिसाइड और डिफाइन करता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर एक टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर बियॉन्ड लेवल तक इंक्रीज हो जाता है तो हमारे जितने भी एनवायरमेंट सिस्टम प्रोसेस हैं वो आपका उससे अफेक्ट होंगे और जितने भी हमारी एनवायरमेंटल बाउंड्रीज हैं वो आपकी अफेक्ट होंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2009 के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ अर्थ मतलब कुछ जो साइंटिस्ट थे, एनवायरमेंटल जो साइंटिस्ट थे और लेड बाय जोहान, ये नाम आपको याद रखना है, लेड बाय जोहान रॉकस्ट्रॉम, इनके द्वारा इन्होंने एक कंसेप्ट आपका ये सामने रखा था फ्रॉम द स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर एंड विल स्टेफन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे लेड बाय जोहान रॉकस्ट्रॉम जो कि स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर से थे और विल स्टेफन ये आपके विल स्टेफन जो थे वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से थे। उन्होंने इस कंसेप्ट को रखा जिसे प्लानिटरी बाउंड्रीज कहा जाता है। अब इस प्लानिटरी बाउंड्रीज में बहुत सी चीज़ें डिफाइंड की गई हैं। अगर बात किया जाए ये जो नोवेल कंसेप्ट है जो कि डेवलप भी किया गया था, लगभग इसमें 18 रिसर्चर्स इन्वॉल्व थे और 2009 में ये कंसेप्ट सामने भी आया था जिसे हम प्लानिटरी बाउंड्रीज कहते हैं। तो कई सारी चीज़ें इस पर इन्वॉल्व थी, लगभग 9 ऐसे कॉम्पोनेंट्स थे जिसके बेसिस पर हम अपने प्लानिटरी बाउंड्री को डिफाइन करते हैं, जिसमें जो पहला चीज़ है जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज की बात किया जाए मतलब जहाँ भी प्रिवेलेंट क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, जैसे अगर डेजर्ट का इलाका है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती और बहुत रेनफॉल होने लग जाए तो यहाँ पे क्या है वो क्या है, इट विल बी अ क्लाइमेट चेंज। अगर पूरा जो बर्फ़ है आर्टिक रीजन की वो पिघल जाए तो वहाँ पे क्या है, इट विल बी अ केस ऑफ अ क्लाइमेट चेंज। तो कितने लेवल तक का क्लाइमेट चेंज हमारी जो एनवायरमेंट सिस्टम है वो बियर कर सकता है। तो एक जो प्लानिटरी बाउंड्री है जो पहला कंसिडरेशन है उसको वो है आपका क्लाइमेट चेंज। दूसरा जो है वो चेंज इन द बायोस्फीयर इंटीग्रिटी। बायोस्फीयर का मतलब क्या है, जैसे आपका एटमॉस्फेयर है ना, इस तरीके से अगर आप बायोस्फीयर मतलब वो जगह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये भी एक प्लानिटरी बाउंड्री है जो प्लानिटरी बाउंड्री ये डिफाइन कर रही है, वी कैन से जो सेकेंड है चेंज इन द बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, जो स्पीसीज का एक्सटेंशन कंटिन्यूस बेसिस पर हो रहा है। और ये जो प्लानिटरी बाउंड्रीज की बात किया जाए ये क्यों आपकी अफेक्ट हो रही है, अगर प्लानिटरी बाउंड्री की अगर प्लानिटरी बाउंड्रीज की बात किया जाए तो क्यों अफेक्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। तो पहला जो था वो क्लाइमेट चेंज है। दूसरा चेंज इन बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है और जो स्पीसीज एक्सटेंशन है। तो अगर ये भी कई सारे जो एनवायरमेंटल सिस्टम हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो ये भी एक प्लानिटरी बाउंड्री अगर कह सकते हैं, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आपका अफेक्ट हो रहा है। तीसरा है वो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन। स्ट्रेटोस्फीयर जैसे अगर आपका पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर की लेयर है, ट्रोपोस्फीयर के बाद जो दूसरी लेयर है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर है। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर के नीचेला जो हिस्सा है यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है, ये ओजोन हमें यूवी रेस से बचा रही है। अब जिस तरीके की हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे क्लोरीन एनवायरनमेंट में प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है और कई सारे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं जो पूरे तरीके से इस ओजोन को ब्रेक कर रही है। और अगर ओजोन ब्रेक होगा तो क्या होगा, यूवी लाइट्स अंटर आपका करेंगी और उससे कई सारा जो इम्पैक्ट है आपको देखने को मिलेगा। तो तीसरा जो प्लेनेटरी बाउंड्री है उसका उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन। चौथा अगर देखा जाए जिसे कहा जाता है दैट इज ओशियन एसिडिफिकेशन। चौथी जो आपकी प्लेनेटरी बाउंड्री है वी कॉल इट एज ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर ये पानी है, समुद्र का पानी है, अब कंटिन्यूस बेसिस पे जो ग्रीन हाउस गैसेस आपकी एमिट हो रही हैं जैसे मान लो CO2 है, अब ये वाटर के साथ वाटर में अगर एब्जॉर्ब होंगे तो ये क्या है, ये किसी एसिड में आपका कन्वर्ट हो सकता है जैसे कार्बोनिक एसिड या दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और इससे क्या होगा, जो ओशनिक वाटर है वो आपका एसिडिक होगा। अगर वाटर एसिडिक होता चला जाएगा तो इससे जो मैराइन लाइफ है, जो कोरल्स की बात किया जाए, वो आपका काफ़ी अफेक्ट हो गए। तो ये आपका चौथा प्लैनेटरी बाउंड्री है जिसे हम ओशियन एसिडिफिकेशन भी कहते हैं। पांचवी जो प्लैनेटरी बाउंड्री है उसे हम कहते हैं बायो जियो केमिकल फ्लोज। इसमें कई सारे जो साइकिल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस से रिलेटेड नाइट्रोजन साइकिल की बात अगर किया जाए, ये भी एक एनवायरमेंट सिस्टम है। अगर ये जो साइकिल है ये अफेक्ट होती है तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन है विद इन द अर्थ वो आपका अफेक्ट होगा। जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तब प्लांट उसको यूज़ करते हैं, फिर वो डिकम्पोज होते हैं, फिर वो नाइट्रेट जो है मतलब फिर वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है, तो एक साइकिल क्रिएट होती है। तो ये बायो जो केमिकल फ्लो की अगर बात किया जाए तो ये भी क्या है, ये आपकी फिफ्थ प्लैनेटरी बाउंड्री। अगर ये अफेक्ट होता है तो इससे भी क्या है कि पूरा जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है अर्थ के अंदर वो आपका अफेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट जो है सिक्स्थ है वो है लैंड सिस्टम चेंज। अब जैसे आपको जो लैंड सिस्टम है, लैंड सिस्टम का मतलब अगर किसी जगह का ये लैंड एरिया, तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा एरिया है इस पर आपका बदलाव कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है। जैसे अगर फॉरेस्ट है तो उसको या तो एग्रीकल्चर लैंड में आप कन्वर्ट कर रहे हो या फिर आप उसको रियल एस्टेट या फिर अर्बनाइजेशन कंटिन्यूस होने की वजह से कोई ना कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हो रहा है, तो पूरा का पूरा जो लैंड सिस्टम है वो चेंज आपका हो रहा है। तो ये भी क्या, ये आपकी सिक्स्थ प्लैनेटरी बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ की जो कंटिन्यूस कटाई हो रही है, उस वजह से जो लैंड सिस्टम उस पर भी बदलाव कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहा है। नेक्स्ट जो आपका सेवेंथ प्लैनेटरी बाउंड्री है उसे कहते हैं फ्रेश वाटर यूज़। अब फ्रेश वाटर का जो यूज़ है वो किस तरीके से है, ग्राउंड वाटर हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, रिवर वाटर हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो पूरा वाटर है उसका कंटिन्यूस बेसिस पे जो पॉल्यूशन हो रहा है वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक आपका नेक्स्ट जो है फ्रेश वाटर यूज जो है ये भी आपकी प्लैनेटरी बाउंड्री के अंदर आ सकता है। अब देखो यहाँ प्रश्न भी ऐसे ही बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज, या मेंस में भी 10 नंबर का प्रश्न आपके लिए आ सकता है। जो 8th प्लैनेटरी बाउंड्री है वो है एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स लोडिंग। अब देखो कंटिन्यूस बेसिस में जिस तरीके की हम एक्टिविटीज कर रहे हैं तो बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी और पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूटेंट्स की वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में ये फैल रहे हैं और क्या है ये एटमॉस्फेयर के अपर हिस्से में एग्जिस्ट करते हैं। अब इससे क्या है कि जो हीट बजट है दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड। सूरज की रोशनी आती है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, कम लाइट आपकी नीचे जा पा रही है, तो इससे कई सारे इम्पैक्ट जैसे जो रेन वाटर है या जो आपका इवापोरेशन का प्रोसेस है वो भी अफेक्ट आपका हो सकता है, हीट बजट है वो आपका अफेक्ट हो सकता है। बहुत से जो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर की अगर बात किया जाए तो ये क्या है, ये क्लाइमेट को तो अफेक्ट करते ही हैं और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी आपका अफेक्ट करते हैं। पूरा जो प्रिवेलेंट क्लाइमेट है और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको भी ये आपका अफेक्ट करते हैं। तो ये 8th प्लैनेटरी बाउंड्री आपका बन जाता है। फिर जो 9th प्लैनेटरी बाउंड्री है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ नोवेल एंटिटीज़, मतलब कई सारे जो पॉल्यूटेंट्स हम रिलीज़ करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कई तरीके के ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं और या फिर नैनो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। तो ये वाटर में भी, एटमॉस्फेयर में भी, लैंड में भी अलग अलग तरीके के ये जो नोवेल एंटिटीज़ हैं ये रिलीज़ की जाती हैं और ये पूरे तरीके से अलग अलग जो कॉम्पोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वहाँ पे प्रेजेंट। तो ये जो 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये क्या है कि कंटिन्यूस बेसिस में, जो कंटिन्यूस बेसिस में अगर देखा जाए तो ये जो प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैं इनमें ये जो प्लैनेटरी बाउंड्रीज का जो लिमिट है वो आपका क्रॉस हो रहा है। जैसे अभी रिपोर्ट क्या कहती है कि 4 जो आपकी 4 में से 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैं, कौन कौन सी? एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इंटीग्रिटी, तीसरा जो है लैंड सिस्टम चेंज, जो लैंड सिस्टम चेंज है, और जो बायोकेमिकल साइकिल है, बायोकेमिकल साइकिल्स की अगर बात किया जाए ये अपना टिपिंग पॉइंट ऑलरेडी मतलब क्रॉस कर चुके हैं। मैक्सिमम जितना भी डिस्टर्बेंस होना चाहिए था वो आपका हो चुका है और ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। इसमें से इन 4 में से 2 ऐसी हैं, क्लाइमेट चेंज और बायोस्फीयर इंटीग्रिटी की बात किया जाए तो ये आर कोर बाउंड्रीज, और इनमें अगर ये जो चेंजेस हो रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पर अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो ये क्या है कि ये बाउंड्रीज अगर क्रॉस होती हैं, खासतौर से अगर ये 4 भी क्रॉस होती हैं तो यह अर्थ सिस्टम को एक नए स्टेट में लेकर जा सकता है, एक ऐसे स्टेट में लेकर जा सकता है जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। जैसे एक कंडीशन कहा जाता है हॉट हाउस अर्थ का कंसेप्ट है। हॉट हाउस अर्थ का क्या है कि मतलब अगर कंटिन्यूस बेसिस पे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो जो ये टेम्परेचर इतना इंक्रीज होगा, इससे क्या होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिक रीजन और एंटार्टिक रीजन की जो स्नो है वो पूरे मेल्ट हो जाएगा और उसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेज जो ट्रैप्ड हैं वो रिलीज होंगी, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा और मेल्टिंग होगी और हीटिंग होगी, इस तरीके की एक साइकिल क्रिएट होगी और एक ऐसा जो अर्थ के नेचुरल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा कि उसको फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट है, उससे क्या है पूरा का पूरा जो आर्टिक रीजन है वो पूरा का पूरा जो आपका आर्टिक रीजन है वो पूरे तरीके से जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, वो ब्लू ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे हमारी प्लेनेटरी विंड्स अफेक्ट होंगी, क्लाइमेट अफेक्ट होगा। तो ये सब इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन सकता है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप अनअकैडमी मुझसे जुड़ सकते हैं, इस सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डेली डोज विद S.Pandey। और अभी बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी से जुड़ने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए SPLIVE ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बहुत ही ग्रेट ऑफर है, 1 अगस्त से आपको जो प्राइस वो इंक्रीज हो रहा है, ये सारे उसमें हैं। ये जो अमाउंट आप देख रहे हो इस अमाउंट में आपके पूरा GS के सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, जैसे लगभग 30 मेंस के टेस्ट सीरीज़, 50 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़, आपके लगभग 21 ऑप्शनल के टेस्ट पेपर्स हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है, बुक्स आपकी सारी इंक्लूडेड है। तो बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी, आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो और अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।